इंस्पेक्टर अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर खबरों की तरफ। ऐश्वर्य का राजा बना प्रधान। जी हाँ, सुनने में शायद आपको कुछ अटपटा लगे, लेकिन लगभग ये बात 100% सही है। लोग एक गायककार को देखकर तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया कि ग्राम पंचायत मधवापुर ब्लॉक मिहीपुरवा जनपद पंचायत में के नवनिर्वाचित प्रधान प्रेमचंद्र राजभर से आपको मुलाकात करवाते हैं, जिन्होंने बचपन से ही संगीत में खास रुचि रखा था। उसके बाद में उनकी धर्मपत्नी से प्रेरणा लेते हुए राजनीति में कदम रखे और भारी मतों से जीत हासिल की। आइए ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि उनसे की हुई कुछ खास बातचीत। ब्यूरो रिपोर्ट, राजीव कुमार सिंह, बहराइच। सबसे पहले तो हम आपका नाम पूछेंगे, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम प्रेमचंद राजभर। कौन से ग्राम पंचायत से आप प्रधान बने हुए हैं? देखिए, प्रधान तो मेरी पत्नी है आशा देवी जी। मैं ग्राम पंचायत मधवापुर से इस बार दोबारा चुना गया हूँ जी। जी, 2010 में मेरी पत्नी प्रधान थी जी, इस बार फिर निर्वाचित हुई जी। जिला क्या पड़ता है आपका? जिला बहराइच। ब्लॉक? विकास खंड में। गाँव कौन सा है? ग्राम पंचायत मधवापुर। प्रधान जी, जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि आप एक सिंगर हैं, तो सिंगर के बाद में फिर आपको ये आपको दिमाग में कहां सा है कि हम राजनीति में आ जाएं? देखिए, 1992 में मेरी पढ़ाई खत्म हुई जी, और 1995 में मैं संगीत में घुसा जी, और संगीत से ही राजनीति की तरफ मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ जी। संगीत और राजनीति कहीं एक पहलू के दो सिक्के हैं, ज्यादा दूर नहीं है जी। जी, अगर ये जो शब्द दिखाई नहीं पड़ता है जी, लोग कहते हैं कि कुछ लोग उनको चुनाव में कहे कि अरे वो गाने वाले हैं, क्या राजनीति करेंगे। मैं कहता हूँ कि जो शब्द दिखाई नहीं पड़ता है, जिस सुर को हम खोज करके ब्रह्मांड से, अगर एक एक सुर को खोज करके एक संगीत बना सकता हूँ, तो राजनीति तो सीधा फंडा है कि किसी का विवाद है, मेढ़ टेढ़ है, तो उसको चल के सीधा कर दो। वो तो सीधे ये लग रहा है कि एक पक्ष मार ज्यादा खाया है, एक पक्ष कम खाया है, उसमें फरियाद में कोई दिक्कत नहीं। अभी तक आपकी कितनी एल्बम आई हैं? हमारी एल्बम 2015 में हमने एक कदम स्वच्छता की तरफ जो है निकाला था, वो भी माननीय डीएम किंजल सिंह थी, उनकी प्रेरणा से हमने पहला एल्बम स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक गीत निकाले थे, दुनिया दीवानी मोदी जी के भाई जी। और दूसरा एल्बम था एक कदम स्वच्छता की ओर, और काफी पॉपुलर था। पहला एकलौता पूरे हिंदुस्तान में एकलौता एल्बम था मेरा जी, एक कदम स्वच्छता की ओर। अब तक तमाम सिंगर लोग गीत गाए। अब तक कितने एल्बम आपके आ चुके? अब तक लगभग मार्केट में हमारे 35-40 सॉन्ग है। यूट्यूब पे भी चलते हैं? यूट्यूब पे आपका चलते हैं, आशा म्यूजिक प्रोडक्शन मेरा चैनल है, आशा म्यूजिक, और एक सुमन म्यूजिक चैनल है। इन चैनल में इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अब इसका श्रेय तो मैं अपने परिवार को देना चाहूंगा। परिवार? मेरा घर यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर दूर है जी, लेकिन 3-3 महीना 2-2 महीना हो जाता है मैं अपने घर नहीं पहुँच पाता। अच्छा, स्टूडियो आपकी किस जगह है? स्टूडियो परसीपुरवा सब्जी मंडी। परसीपुरवा सब्जी मंडी? सब्जी मंडी जी। मतलब आगे कौन से एल्बम आ रहा है आपका? आगे तो मेरे पास एल्बम आ रहा है कि एक, अब तो मैं पहले पात पे बैठा के खिलाया जाता था जी जी, उसके बाद कुर्सी मेज पे लोगों को खिलाया जाता था। अब जमाना आ गया है कि सीधे खड़े खड़े लोग खड़े खड़े लोग खा रहे हैं। तो मेरा एक एल्बम है, उसका मैंने गीत लिखा है और उसका म्यूजिक मैंने तैयार कर लिया है, केवल रिकॉर्डिंग करना है। थोड़ा सा चुनावी व्यवस्था के चलते मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो थोड़ा सा मैं उसका बोल सुना देता हूँ। की गईल जमाना पंगत वाला, नयका जमाना आइल हो। पत्नी कह रही है पति से, थोड़ा पति
ओल्ड मॉडल है और पत्नी नए जमाने की है, तो वो जो पंखत में जब खाना खिलाया जा रहा है, वो बम्फर सिस्टम में जो खाना लोग खा रहे हैं, तो उसको देख करके वो भड़क गया, कहा कि मेरा उस पाई इसमें नहीं है, पति और पत्नी सभी लोग अपने हाथ से निकाल के खाते हैं, मैं इसमें खाना नहीं खाऊं। तो पत्नी अपने पति से कह रही है कि गईल जमाना पंखत वाला नए का जमाना आई लहो, खड़े खड़े खा ले राजा माँ जब आई हो, अरे खड़े खड़े खा ले राजा माँ जब आई हो। तो पति कह रहा है कि खड़े खड़े खैला में रानी माँ जाना ही आई हो, नए का जमाना के महारा गोली भुइया दाना खाई हो। बहुत अच्छा लगा सुनकर, बहुत अच्छा लगा सुन के। और प्रधान पद फिर से आपको मिला, इसके लिए हमारी टीम मीडिया टीम आपको बधाई देती है, और बहुत ही खुशी हुआ आपसे मिलके, जो आज हम लोग का टेंशन था वो पूरा खत्म हो गया आपसे मिलकर। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो।